Hello everyone, today we will talk about endosmosis and exosmosis. So let's start. ऑस्मोसिस जो होता है वो टू टाइप का डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, एंडोस्मोसिस और एक्जोस्मोसिस। अभी हम नहीं जानते क्या होता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक सेल को रखा किसमें, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब इसमें सॉल्यूट जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, ये तो आपको पता है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन अपने आप कम होगी, या हम कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक सेल को रखा, ठीक है, एक किसी भी चीज को रखा जिसका, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। मैंने अभी आपको बताया कि दो टर्म, हाइपर और हाइपो, ठीक है। हमने रखा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो इसको हमने क्या बोल दिया, हाइपरटोनिक। अगर हमने किसी भी सेल को हाइपरटोनिक में रखा, मतलब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमेशा कम होगी, ये तो पता ही है। एक अगर ज्यादा हो तो दूसरा ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है। पानी की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमने क्या किया, एक गिलास में एक चम्मच, एक स्पून रुआब्जा डाल दिया, एक हमने क्या किया, एक बीकर में डाल दिया, एक बकेट में डाल दिया, तो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन किसकी कम हो रही है, सॉल्यूट की, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर का मतलब किसकी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर सॉल्यूट की, ये पॉइंट याद रखने को है, किसकी कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की, ठीक है। हमने रखा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर होगा कहां से, याद करो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन, मतलब या तो पानी अपनी अधिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, या सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दोनों चीजें हैं। तो हम देख लेते हैं पानी की हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, इसकी खुद की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। पानी की एक नेचर है, तो कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया में तूफान आ जाए, पर मैं तो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाऊंगा। अगर यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन में लोअर कंसंट्रेशन है तो ऑटोमेटिक इस सेल में हायर कंसंट्रेशन होगी, तो पानी कहाँ मूव करेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, ठीक है, बाहर की तरफ पानी का आना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोस्मोसिस, ठीक है। आप ये मत समझो, आप पहले ये देखो कि हम सिंपल देख, हम डेफिनेशन याद नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक सेल ली, उसको हमने कहां पे प्लेस किया, कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है सॉल्यूट या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर सॉल्यूट या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, पानी की, ठीक है। तो पानी की एक नेचर होता है, पानी का भैया अपना गुण है क्या, कि वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो पानी सेल से निकल के कहां आ जाता है, बीकर में, तो ये जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो जो एक्जोस्मोसिस प्रोसेस है उसमें क्या होगा, श्रिंक हो जाती है। याद रखो, जब हम अंगूर को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, अंगूर से पानी निकल के किसमें आ जाता है, गिलास के पानी में, ठीक है। तो अंगूर सुकड़ के क्या बन जाता है, किशमिश, रेजिन बन जाता है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस हमें, हमने आपको ये नहीं बताया था कि ये एक्जो या एंडो, बस हमने एग्जांपल देके समझा कि अगर हम किसी चीज को हायर कंसंट्रेशन में रख रहे हैं तो पानी जो होगा उससे निकल, सेल से निकलकर उस कंसंट्रेशन में आ जाएगा। जैसे ही पानी निकला तो पिचक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्जोस, बाहर निकल रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्जोस्मोसिस। ने इस सेल को क्या किया, हाइपोटोनिक में रख दिया। हाइपोटोनिक का क्या मीन है, कि इसमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो पानी की कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। पानी का क्या नेचर है, पानी अपने गुण को नहीं भूलता, वो क्या करता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन कहां है, बीकर में, तो वो क्या करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है। एंट्री मतलब अंदर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब पानी का अंदर जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, सेल जो होगी वो फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो
अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एग्जोस्मोसिस कौन से कंडीशन में होगा। अब एक और चीज, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट से समझा दिया, एक और चीज बता देती हूँ, ठीक है, आपको ट्रिक से याद करा देती हूँ। मतलब देखो, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी, हमने सेल को किस में रखा, हाइपरटोनिक में, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा, तो बोलते हैं ना कि जो ज्यादा पैसे वाला है वो ज्यादा ही पैसे वाला होता जाता है, तो ये ज्यादा है तो इसमें से भी निकल के इसमें आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें इंक्रीज हो जाएगा, जो भी हमें नहीं पता, हम बस याद कर रहे हैं कि ये हाइपर मतलब ज्यादा है तो ये ज्यादा बढ़ता ही जाएगा, तो पानी इसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। पैसे वाला हो रहा है, उधर गरीब गरीब हो रहा है, बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, हाइपोटोनिक है, ठीक है, उसके बाद हाइपो मतलब ऑलरेडी कम है, और कम हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, गरीबों का खून चूस रहे लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट भी आप याद रखते हो कि ज्यादा ज्यादा ही होगा, मतलब क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर निकलेगा तो एग्जोस्मोसिस, और हाइपोटोनिक में एंडोस्मोसिस। क्लियर है, मैंने दोनों ट्रिक से भी याद करा दिया, कंसेप्ट से भी याद करा दिया। तो एंडोस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू सॉरी आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब इसमें अंदर जा रहा है। एग्जोस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एग्जो मतलब बाहर निकल रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड। एग्जोस्मोसिस कौन से में होता है, हाइपरटोनिक में, ज्यादा जो होता है, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, हाइपरटोनिक में आता जाता है और हाइपोटोनिक में कम होता जाता है। ओके, क्लियर है, ये मैंने याद कराने के हिसाब से बताया है, कंसेप्ट यही है कि हाइपरटोनिक मतलब कंसेंट्रेशन किसकी किसकी ज्यादा है, सॉल्यूट की, कम किसकी है, वाटर की। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन से हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन, तो वाटर हमेशा अपनी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाता है। चलिए, ये ऑस्मोसिस खत्म हो गया, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक बार इनको डिफरेंशिएट कर दिया है। एंडोस्मोसिस किसमें होता है, हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एग्जोस्मोसिस किसमें होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक मतलब जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड, नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब अंदर आ रहा है, किसका मूवमेंट होगा, वाटर का, और इसमें एक्टो मतलब इनसाइड टू आउटसाइड। अब पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, सेल बिकम टर्जेंट, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसमें सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल बिकम फ्लैसिड, पिचक जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है एंडोस्मोसिस को, जब हम किशमिश को डालते हैं, पानी में डाल के रखते हैं, देखो आप लोग रखते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पेट के लिए भी सही होता है, तो क्या करते हैं, वो सुबह जब हम पीते हैं तो वो फूली हुई रहती है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोस्मोसिस में, एंडोस्मोसिस। और जब हम अंगूर को पानी में डाल देते हैं तो वो पिचक जाते हैं, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, एग्जोस्मोसिस, ठीक है। ये मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।